नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विक्ट्रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं जो आज का शेयर हुआ JP Power। JP Power के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज 10 दिसंबर है और रात के 11:30 बज रहे हैं, तो मार्केट ऑफ हो चुकी है। बट मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगी, जेपी पावर में आपको फिर से अप ट्रेंडिंग के और ट्रेंड देखने को मिलेगा कि क्या वजह है अप ट्रेंडिंग की, क्या सही समय से बाय करने। सब थोड़ी देर में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जेपी पावर के बारे में हमने पहले ही बात करी है, जेपी पावर का बारे में आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं। पावर सेक्टर की कंपनी है, हाइड्रो पावर और थर्मल पावर से पावर जनरेट करते हैं ये लोग। तो बेसिकली क्या है, पावर सेक्टर की कंपनी है, तो जेपी ग्रुप की कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं ना जेपी पावर में चल क्या रहा है और क्या वजह है, इसमें सही समय ये समझते हैं। तो ये देखिए, आज के दिन पर ये ओपन होता है 5.90 रुपये पे, हाई मारता 5.95 रुपये का, लो मारा 5.35 रुपये का। 52 हाई है इसका 6.85 रुपये का, 52 लो है 2.40 रुपये का, ठीक है। तो इसने आज के दिन में माइनस में गया है 5%, माइनस में डाउनफॉल की तरफ बंद हुआ, 5% गिरावट के साथ ये बंद हुआ आज के दिन में। और 5 दिन के अंदर अभी तक इन्हें 19% पॉजिटिव में रिटर्न दिए, और 1 मंथ के अंदर अभी तक 18% पॉजिटिव रिटर्न दिए, 6 मंथ के अंदर अभी तक 10% पॉजिटिव रिटर्न दिए, ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इन्हें 66.67% रिटर्न दिए पॉजिटिव के अंदर। तो ये तो इसका ओवरव्यू हो गया, अब समझते हैं इसके अंदर और क्या था। ये देखिए, मैंने NSE की साइड ओपन कर लिया, तो NSE के अंदर इसके अंदर 47.99% आज डिलीवरी उठा दी गई है। कितनी डिलीवरी उठाई गई आज के दिन इसके ट्रेडिंग के अंदर, देखिए 10 दिसंबर 2021 के अंदर अभी तक डिलीवरी कितनी उठाई गई है, 47.99%। ये एक्सप्लेन हो गया है, अब चलते हैं इसके अंदर और क्या है चीज़ें इसके अंदर। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो है नहीं देखो समझने के लिए आपके लिए, तो मोटा मोटा हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर ही, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते। तो चार्ट के अंदर देखिए, इसका डेली चार्ट मैंने ओपन करा, डेली चार्ट पे देखिए कल के दिन जिसमें कैंडल मिली, देखिए 2 दिन पहले यानी 7 तारीख को ये 4.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है ना। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ट्रेड फॉल हो गया। देखिए ट्रेड का मतलब क्या है, ये जब भी ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे यहाँ पे एवरेज मूव जो क्रॉस मूविंग होती थी, यानी कि ये अपने आपस में क्रॉस कर रहा था, ये 20 इनने पहले 200 डेज को क्रॉस करा, फिर 150 डेज को क्रॉस करा एवरेज मूव को, फिर 100 डेज को एवरेज मूव को क्रॉस करा, फिर उसके बाद इसने 21 की एवरेज मूव को क्रॉस करके ये डेफिनेटली अप ट्रेंड, देख सकते हैं आप, इसने सारी एवरेज मूव को क्रॉस करके अप ट्रेंडिंग की तरफ आ गया था, इसलिए इसमें तेजी हुई है, क्योंकि ये अब अपने 200 दिन के हाइस पे ट्रेड कर रहा था शेयर, तो इसलिए इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिला आपको। जब इसमें 200 डेज को एवरेज मूव को क्रॉस करके जब शेयर अप ट्रेंडिंग दे रहा था, जब इसमें अप बाइंग आती है और हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है इसके अंदर। ये देखिए 7 तारीख को ये ट्रेड कर रहा था 4.5-4 रुपये के बीच में, उसके बाद जैसे ही ये क्रॉस मूव हुए यहाँ पे इस एरिया के अंदर, देखिए यहाँ पे जैसी क्रॉस मूविंग आई उसके बाद से, ये देखिए यहाँ पे जैसी क्रॉस मूविंग आई उसके बाद से अब ट्रेंडिंग की तरफ आ चुका। तो इन्हें 8 तारीख के क्लोज होता है, यानी कि 5 रुपये तक का हाई मारता है, उसके बाद एक क्लोज होकर बंद हो जाता है 4.95 रुपये का, यानी 8 तारीख को कितने का बंद हुआ, 4.95 रुपये पे बंद होता है। फिर 9 तारीख को जब कल के दिन इसमें ट्रेडिंग ओपन होता है, तो कल के दिन ये फिर डाउनफॉल करता है, तो ये क्लोज यानी हाई मारता है 5.90 रुपये का, कितने मारता हाई 5.90 रुपये, मगर क्लोज कितने पर होता है 5.80 रुपये पे क्लोज होकर बंद होता है। ये देखिए कितनी बुलिश कैंडल ट्रेड करता है, हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है, RSI MACD पर दोनों पर इंडिकेशन अब ट्रेंडिंग की तरफ है। अब देखिए आज के दिन क्या होता है, आज के दिन ये गैप ओपनिंग करता है, ओपनिंग के बाद ये 95 यानी कि 5.90 रुपये पर ओपन होता है, बट ये हाई जाता है 5.95 रुपये का, पर उसके बाद से फिर इसमें डाउनफॉल होता है, तो ये गिरता कितना आज के दिन में, ये यानी कि आज के दिन ये गिर जाता है कितना, ये 5.35 रुपये तक गिर जाता है, बट उसके बाद फिर से रिकवर करता है, तो ये कितना चला जाता है 5.5 रुपये। ये क्रिटिकल लेवल आ चुका है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो कैंडल बन रही है 5.5 की ही कैंडल है, इस कैंडल पे ही ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। अगर ये सपोर्ट ले लेता है इस कैंडल से, अगर ये मंडे के दिन ये 5.5 के ऊपर से फिर से अगर ट्रेड करता तो डेफिनेट में और भी अब ट्रेंडिंग देखने को मिला, बट ये जब भी गिरावट होगी तो अभी आपके अंदर इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर अभी आपको बाय कुछ नहीं करना है। कि देखिए MACD पे तो अब ट्रेंडिंग है, बाकी एवरेज मूव के अकॉर्डिंग भी और चार्ट के अकॉर्डिंग अब ट्रेंडिंग है। ये देखिए कितना गैप फिलिंग करता है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर है अभी इस क्रैम पे, तो ये कैंडल कब की है, 19 अक्टूबर 2021 की कैंडल है, इसके अब ट्रेंडिंग पर बाकी सपोर्ट कहाँ पर है, इस कैंडल के ऊपर सपोर्ट ले रखा है ये जो कैंडल है।
तो जैसे इस कैंडल को क्लोज करेगा यानी 5.80 रुपये की क्लोजिंग देता है, यानी मंडे के दिन यह 5.80 रुपये ऊपर क्लोज देता है, डेफिनेटली इसमें आप 6-7 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। मेरा मानना यह है कि आप इसमें फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि इसमें होल्ड रखिए, क्योंकि इसमें अब ट्रेंडिंग आएगा, बाकी आपको फ्रेश बाइंग इसमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका प्रॉफिट आता है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट इसमें अभी भी अब ट्रेंडिंग बाकी है। ये 7 रुपये का लेवल नेक्स्ट वीक क्रॉस करेगा। क्यों बोल रहा हूँ 7 रुपये का लेवल, थोड़ा देर में समझाता हूँ मैं आपको। चलते हम इसके वीकली चार्ट पे। ये देखिए इसका वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, तो वीकली चार्ट पे कुछ आपको समझ आया कैसे। ये देखिए कब विट हैंडल बना रहा है वीकली चार्ट पे। ये देखिए ये जो कैन ये कप है, ये देखिए एक तरह का छोटा सा कप क्रॉस कर रहा है। ये देखिए ज़्यादा ओपन हो, ज़्यादा वो हो गया। ये देखिए ये छोटा सा कप बन रहा है, इधर इसका हैंडल बन रहा है, कप विट हैंडल का पैटर्न बन रहा है। और देखिए वीकली चार्ट पे भी इस पे के अंदर ये देखिए जिस तरह से ये जो कैंडल फॉर्मेंट हुई है इस वीक, ये देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ कैंडल फॉर्मेंट हुई है। और ये देखिए कैंडल किस तरह से वी शेप में गई है, तो इसका इंडिकेशन है VWAP अप ट्रेंडिंग की तरफ है, एवरेज मूवी अप ट्रेंडिंग की तरफ है, 100 डेज को अप ट्रेंडिंग चल रहा है, RSI MACD पे अप ट्रेंडिंग तरफ है। देखिए क्रॉस मूविंग आ रखी है MACD पे। ये देखिए वीकली चार्ट पे भी अप ट्रेंडिंग की तरफ है, यानी कि अब इसमें अब बाइंग आ चुका है, डबल टॉप बॉटम बन चुका है। ये देखिए यहाँ पे बॉटम बना था, फिर यहाँ पे बॉटम, डबल टॉप बॉटम के बाद फिर से अब ट्रेंडिंग तब आ चुका था। वीकली चार्ट पे भी अच्छा इंडिकेशन है, डेली चार्ट पे भी अच्छा इंडिकेशन है। तो मेरा मानना है इसमें फ्रेश बाइंग मत करिए। अगर ये फिर से 4.5 से 5 के बीच में था तो इसमें बाइंग करेंगे, बट अभी 5.5 के लेवल पर इसमें बाइंग नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है यहाँ से 7 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो आपको इसके अंदर होल्ड करना, पैसे ना बने रहना है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।